गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रोनाउन का सेकेंड लास्ट टॉपिक, इसके बाद एक टॉपिक और है जो कि आपको पढ़ना है, सेकेंड लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक पे आपको क्या मिलेगा। इस टॉपिक पे हम पढ़ने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन को कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें आपको एक ही रूल पढ़ना है आपके बुक में, तो आइए देखते हैं। वी कैन ऑफन लीव आउट द रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन इट इज़ इन द ऑब्जेक्टिव केस। बोल रहे हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ देते हैं जब ये क्या होती है, ऑब्जेक्टिव केस में होती है। अच्छा, ये कैसे होता है, एग्जाम्पल देखिए। दिस इज़ द पेन विथ विच आई रोट द लेटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, यह वही पेन है जिससे मैंने लेटर लिखा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, विच। ठीक है, ये किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है। अब इसको देखो कैसे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। दिस इज़ द पेन आई रोट द लेटर विथ, यह वही पेन है जिससे मैंने लेटर लिखा था। ठीक है, तो विच क्या हुआ, हट गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये था ओमिशन। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखो, क्या बोल रहा है, द मैन अबाउट हुम यू आर इंक्वायरिंग इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। जिस आदमी के बारे में तुम पूछ रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, वो क्या है, मेरा फ्रेंड है। अब यहाँ पे हुम, ठीक है, ये पर्सन के लिए आया है। द मैन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हो वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, होम की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ था। ठीक है, जैसे इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस है हु, इसका ऑब्जेक्टिव केस था होम। ठीक है, होमवर्क में आपको इससे रिलेटेड कुछ फिलिप्स दिए गए हैं, यही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, यही रूल से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको इसको करना है।